हाय फ्रेंड्स, अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल। दिस इज़ नसीमा शेख एंड यू आर वाचिंग द सो व्लॉग्स। तो फ्रेंड्स, मैं आज कितने दिन के बाद ऐसे कैमरा लेके वीडियो बना रही, क्योंकि आज थोड़ा मूड अच्छा है और मेरी पूरी प्रेगनेंसी ऐसी गई, पूरी मतलब खासकर शुरुआत के 6 महीने के मुझे वीडियो बनाने का बिल्कुल भी मन नहीं करता। अभी भी एडिटिंग करने का ये सब टाइम नहीं रहता। आज मैं बना रही हूँ वीडियो क्योंकि आज मेरा मूड अच्छा है और तैयार होने का मेरा मूड हुआ है, तो मैं तैयार भी हुई हूँ। आज हम लोग आए हैं, अंजुम का बर्थडे है तो हम लोग विला लोनावला में आए हैं, विला लिए, तो उसका बर्थडे भी सेलिब्रेट करने आए हैं। और उसका हम लोग में बेबी शावर नहीं होता, ना अंजुम के घर में होता है ना मेरे ससुराल में होता है, पर तो हंसू के टाइम पे भी मेरी वो अरमान रह गई थी, मैं बेबी शावर तभी भी हम लोग फ़ोटोज़ नहीं निकाल पाए थे। तो हम लोग अभी बेबी शावर नहीं तो थोड़ा बहुत फ़ोटोशूट तो कर सकते हैं, तो हम लोग ने अभी थोड़ा फ़ोटोशूट किया है। तो मम्मी टू वी, डैडी टू वी का वो सब लाए थे और फ़ोटोशूट किए। सेकेंड बेबी वो है तो क्या हुआ, और उसी बहाने उसका फर्स्ट बेबी है, उसका भी वीडियो बन गया। और मैंने पूरा विला एक्सप्लोर किया है, मुझे ऐसा लगेगा कि मुझे वीडियो डालना चाहिए, बीच बीच में कभी भी मैं वीडियो डालूँगी। ऐसे नहीं कि मैंने चैनल बंद कर दी हूँ, पर इतना है कि मेरे को तबीयत ठीक नहीं रहती है तो मैं एडिटिंग नहीं कर पाती हूँ। वीडियो तो चलो इंसान कैसे भी बना भी ले, क्या कैमरा ही तो चालू करना होता है, पर एडिटिंग करने का मेन होता है, एडिटिंग नहीं कर पाती हूँ। हम लोग बारबेक्यू नेशन गए थे होटल का, उसका भी वीडियो बना के रखी हूँ, उसकी भी एडिटिंग नहीं करी, उसको भी मुझे पोस्ट करना है, तो वो भी उसकी भी एडिट पोस्ट करूँगी और ये वीडियो भी पोस्ट करूँगी, पर कब करूँगी वो नहीं मालूम, पर करूँगी। और हाँ, मेरी हेल्थ की अपडेट दे दूँ, क्योंकि बहुत लोग मेरी पहले की वीडियो देखे हैं कि मैं हॉस्पिटल में जा के एडमिट होती थी, तो 4-5 महीना मैं एडमिट थी, 10-15 दिन के गैप में एडमिट होने का ऐसा होता था। तो 6 महीने तक मेरी वो प्रॉब्लम थी, अब 6 महीने के बाद अल्हम्दुलिल्लाह मैं अच्छी हूँ। अभी भी मेरा वेट बहुत कम हो गया है, जो मेरा नॉर्मल वेट मेरा नॉर्मल टाइम पे रहता है उससे 10 किलो कम हो गया है। हंसू के टाइम पे भी ऐसे ही हुआ था, अभी भी देख सकते मेरी आँख वाँख सब अंदर चली गई है, अभी तो भी मेकअप में थोड़ा सही दिख रहा है, विदाउट मेकअप पूरी मतलब पूरा मेरा फेस उतर गया है, मतलब 10 किलो कम हो गया, तो सबसे पहला इफेक्ट मेरा फेस पे ही दिख। तो हाँ, हेल्थ अपडेट देनी थी आप लोगों को कि मैं ठीक हूँ, क्योंकि बहुत लोग पूछते हैं कि अभी तबीयत कैसी है, क्योंकि पहले बीमार रहती थी ना, तो अभी अल्हम्दुलिल्लाह मैं ठीक हूँ और 9 मंथ ऑलमोस्ट कंप्लीट हो गए हैं। 10-15 दिन में मेरी ड्यू डेट है, फिर भी मैं विला घूमने आई हूँ। सब लोग मुझे चिल्ला रहे हैं कि ये टाइम पे भी तू घूमने के लिए गई, पर जान अल्लाह के भरोसे आ गए हम लोग। अभी तक तो ऐसा कुछ नहीं हुआ और ऐसा सोचने का भी नहीं कि कुछ हो, अभी तक तो सब ठीक है अल्हम्दुलिल्लाह, और अच्छे से घर पहुँच जाए। तो फ्रेंड्स, ब्लॉग मेरा पूरा देखना, मैं कुछ मिनट की वीडियो के पार्टीशन में डालूंगी, क्योंकि लंबी वीडियो हो जाती है, तो आप देखना, हम लोग बहुत इंजॉय करने वाले। आप मेरा चैनल सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए। मेरा मोनेटाइज हो गया है चैनल, बट मेरे डॉलर कंप्लीट नहीं हुए, क्योंकि मैं वीडियो नहीं डालती हूँ, मेरी गलती है कि मैं वीडियो डालती नहीं हूँ जल्दी, तो उस वजह से व्यूज़ रुक जाते हैं। अगर कंटिन्यू एक्टिव रहूँगी मैं तो व्यूज़ बढ़ेंगे, पर ठीक है, अब व्यूज़ भी छोड़ो, जो भी है छोड़ो, मैं मतलब एक यादगार के तौर पे वीडियो बनाती हूँ। तो हम लोग इधर विला आए हैं, ये भी एक यादगार, जैसे कि मेरे पहले भी रिसोर्ट की वीडियो है, बहुत कुछ वीडियो है जो मैं हम लोग पूरा परिवार अभी तक देखता है, याद आती है तो कि हम लोग ये टाइम पर उधर गए थे और इतनी मस्ती कर रहे थे, तो ऐसी ये यादगार के तौर पर मैंने ये वीडियो बनाई। तो फ्रेंड्स, मेरे चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, तो मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।